तो TVS XL100 या XL70 का साथर सेम ही रहता है दोनों का। तो आज हम आपको XL100 के साथर रिपेयर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इस नट को खोलना है, तो इसके अंदर एक लॉक रहता है, तो पहले हम इस लॉक को निकालेंगे। और इसके बाद स्प्रिंग को नचा के खोल लेंगे हम, और इसके बाद ये बूस्ट निकालेंगे इसमें का, और इसके पूरा पेट्रोल से हम क्लीन करेंगे। उसके बाद इसका चूड़ी खराब हो गया तो हम नया लगाएंगे, और इसमें भी अगर इसका लॉक टूट गया तो इसे हम चेंज करेंगे। इसमें इसे यहाँ तक ले आ देंगे इसे, तो अब इसमें हम कस तो हमें इसे स्प्रिंग को नचा के टाइट करना है, सीधा नचा के। तो ये जो घाट है ये इसमें बैठेगा, होल है इसी में, तो ये बैठ चुका है। तो हम साकर में लगाएंगे इसे। तो हम इसमें ये फाइबर लगा के फिर लगाएंगे। तो इसे बैठाने के बाद हमें ऐसे दबा के चेक कर लेना है, फिर इसमें ये हम बूस्ट लगाएंगे। तो इसे हमें बैठाना है पहले उसको। हमारे पास TVS की ओरिजिनल आयल सील है जो कि 39 रुपये का है, तो आप इसमें ओरिजिनल ही डालें। तो इसके बाद हम पहले नई आयल सील लगाएंगे, और इसके ऊपर पुरानी आयल सील लगाएंगे, और फिर हम 30-32 के रेंज से इसे ठोक कर बैठाएंगे। फिर हम इस पर ठोकेंगे 32 नंबर इंच लगाकर, तो ये हमारा बैठ चुका है। तो पुराना सिल ऐसे करके निकालेंगे, निकल गया है वहाँ इसे गई के पकड़ा। तो हमें लगाना है, और फिर ये लॉक, और हमें इसे ऐसे पहले बैठा देंगे इसके अंदर। और फिर से पुराना वाला आयल सील ऐसे ठोक के बैठा देंगे इसे पकड़ा। तो इसे निकालने के लिए हम आरी ब्लेड की पत्ती लेंगे और इस प्रकार से ऐसे ठोकेंगे टेढ़ा करके, तो तुरंत निकल जाएगा। और ये हमारा लॉक बैठ चुका है। ऑयल बचा लेंगे हम इसमें, ये चलाए थे, ये 150 ml का डब्बा है। बड़ा वाला है, कितना वाला है? तो इस नट को हम टाइट कर देंगे पूरा। ये हमारा ताकत कंप्लीट हो चुका है।